मोदक या लड्डू? सूजन आ गई है, बप्पा जी उसी में जाएंगे। 9 नंबर क्या होता है? गोलू के गुलगट्टे हो गए हैं लाल। भगवान की जय। मेरा भी मन करे जाने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके हैं 10:30, मेरा शावर हो गया है और मैंने मेन मंदिर की पूजा कर दी है। अभी गणपति बप्पा की पूजा करनी बाकी है, साफ सफाई मैंने कर दी है यहाँ से, अब पूजा करनी है। तो आज गणपति बप्पा का विसर्जन है, तो हमारे घर में बन रहा है आलू गोभी की सब्जी ड्राई, साथ में छोले पूरी और मीठे में मोदक या लड्डू। तो मैंने भी शावर ले लिया है, बस अब रेडी होंगी विसर्जन के लिए। और इधर जूस मंगवा लिया है मैंने अपने लिए भी, पायल के लिए भी। पायल तेरा जूस का है? ठीक है, पी ले। और इधर आज बन रहा है भोग के लिए काले चने और साथ ही साथ आलू गोभी की सब्जी ड्राई वाली, और बहुत ही यम्मी लग रही है ये। तो इधर शांति ने चाय भी बना दी थी, तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, पहले जूस पीती हूँ फिर चाय पीऊंगी। तो यहाँ पे आ गया मेरा सुबह का नाश्ता, कर रही हूँ मैं दोपहर को, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो सोचा परांठा चार खा लूं। और इस वाले हाथ में ना मेरे सूजन आ गई है, आपको दिख रही होगी सूजन, क्योंकि यहाँ पे ना कैनुला लगा था मेरे, तब से ना यहाँ पे बहुत सूजन सी और दर्द होता है। पायल ने बहुत देर पहले ना, मतलब 1 घंटे पहले शावर लिया था, पर बाल नहीं सुखाए थे, कंघी नहीं करी थी। तो बस काम करने के बाद मैं सोच रही हूँ काम करते पहले रेडी होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमें फिर बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि ना कल भी ऐसा ही हुआ था कि ना हमें रेडी होने में ना, देखो अब 2 लोग हैं, तो नाना करते करते भी ना एक बंदे को ना 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं हेयर स्टाइल और मेकअप में, और फिर दीपक अकेला है तो टाइम लग जाएगा, और हम विसर्जन से पहले हम लोग रेडी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां पायल बाकी है। तो वहाँ पे ना हमारी ट्रॉली जो है, ट्रक है, वो सजेगा, बप्पा जी उसी में जाएंगे विसर्जन के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं जूम करके दिखाती हूँ, पर जूम का ऑप्शन नहीं आ रहा। नहीं, हो गया। बाय भैया। तो हम लोग ज्यादातर ना अपने फोन से ही व्लॉगिंग करते हैं, कैमरा बहुत कम उठाते हैं, इसलिए ना हमें जूम करना, अपर्चर सेट करना, ये सब बहुत कम आता है, पर हम सीखेंगे। देखो हम चाहते हैं हम हर एक चीज सीखे जो नहीं आती। तो ये है हम दोनों की साड़ी जो कि हमने पसंद की थी, सारी साड़ी ना सेम है, बस पायल की जो साड़ी है ना उस पे आगे से ये काम हुआ पड़ा है, ये जो पत्ते है मेरी साड़ी में भी सेम है, और मेरी साड़ी के अंदर थोड़ा बॉर्डर जो है, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है साड़ी में, बॉर्डर ब्रॉड है। वैसे ये साड़ी ना हमने करवा चौथ पे पहननी थी, हमने ये सोचा था कि हम रेड कलर की साड़ी पहन के व्हाइट कलर का गजरा और बड़ी बड़ी झुमकियां और कुछ नहीं, और हाथ में सिर्फ लाल चूड़ियां, झुमकियां और सिर्फ लाल चूड़ियां और यहाँ से लेके यहाँ तक संदूर, ये सोचा था। पर अब वो वाली दूसरी साड़ी हमने ऑर्डर की थी, और भी 3 साड़ी ऑर्डर की थी, वो अभी तक आई नहीं है। अगर इन केस वो आ जाती है तो ये रख देंगे हम और वो पहनेंगे। पायल, जो तूने कल साड़ी पहनी थी ना रेड कलर की, तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि रेड कलर ना फेस पे खिलता है रेदर देन ग्रीन। अच्छा हुआ हमने ग्रीन, पिंक भी नहीं, हमने ग्रीन नहीं लिया, मजेंटा भी नहीं खिलता, रेड ज्यादा, मजेंटा अच्छा लगता है पायल, बट रेड ज्यादा खिलता है। तो गोलू का जो हेयर स्टाइल है वो डन हो गया है, बस अब गजरा लगाना बाकी है, और मैं आज ये नकली वाले गजरे नहीं लगवा रही हूँ, अभी मैंने मोगरे का गजरा मंगवाया है, वो आएगा तब लगवाएंगे, हेयर स्टाइल हो गया गजरा बाद में लग जाएगा। तो अभी हमारी साड़ी के ब्लाउज भी आ गए हैं, ये है गोलू का, क्योंकि गोलू के में ये वाला डिजाइन है, और ये है मेरा, मेरे में ये वाला है, थोड़ी बुढ़ी ऐसे करी हूँ। तो यहाँ पे ना पायल का हेयर स्टाइल भी एकदम हो गया डन, बिना गजरे के ना लुक नहीं आएगी, जब तक गजरा नहीं लगेगा नो लुक। और ना इधर हम लोग निकाल रहे ज्वेलरी, और ये वाली बिंदी ना आज मैं पक्का लगाऊंगी, कल मैं लगा नहीं पाई थी आज लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है गोलू का मेकअप होना शुरू हो गया, ये इसने 9 नंबर लिख दिया है, 9 नंबर ही बना रही है। 9 नंबर क्या होता है? कह रहा है पहले मैं क्लाइंट्स के ऊपर ABCD लिखता था, ABCD लिख के क्या करता था, सीखता था क्या, ब्लेंड करता था। तो गोलू के गुलगट्टे हो गए हैं लाल। तो भाई मेरा मेकअप तो हो गया एकदम डन, यहाँ चल रहा है पायल का मेकअप, बस मेकअप करने के बाद हम फटाफट साड़ी वेयर करेंगे, गजरा लगाएंगे, और हम लोग टाइम से मेरे हिसाब से ना 1-1.5 घंटा पहले रेडी हो जाएंगे पायल। अभी तो पंडित जी भी आएंगे ना, पूजा भी तो होगी, भोग लगेगा बिल्कुल। ये क्या गिराया है बेटा? जी आप कब नहाओगे? सब नहा चुके हैं, आप और पापा रह गए हो, तो आप पापा आपको नहला देंगे, ठीक है? पापा खाना खा रहे हैं, फिर नहा लेना है। तो गाइस हम लोग तो सब रेडी हो गए हैं, अभी हो रही शांति रेडी, और मैं जा रही हूँ अभी पूड़ियाँ निकालने, क्योंकि हमारे जो पंडित जी हैं वो आने वाले हैं, और भोग लगा के फिर हम निकलेंगे विसर्जन के लिए। तो अभी बज गए हैं 5, और पता ही नहीं लगा 5 कब बज गए, मैं तो सो गया था, अभी उठा हूं, मतलब 1:30 बजे उठा हूं, उसके बाद नहाया हूं, और मैंने कुर्ता पजामा पहना, मैंने सोचा थोड़ा सा मैचिंग हो जाएगा इधर से। हां पायल और मेरी
साड़ी से मैचिंग हो रहा है। पहले मैंने ब्राउन वाला पहना था पर मजा नहीं आया। तो मैं फटाफट से पापा का ना भोग बना देती हूँ क्योंकि पंडित जी नीचे पहुँच चुके हैं, वो आते ही आरती करके भोग लगाएंगे फिर हम लोग निकलेंगे विसर्जन के लिए। तो यहाँ पे पापा जी का भोग बिल्कुल रेडी हो गया, तो बस मैं उनको जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। ऊपर आ गए हैं पंडित जी भी, तो आज भोग की प्रक्रिया हमने पंडित जी पे सौंप दी। एसी चला। गोविंदाय नमः। पीलीजिए। ओम केशवाय नमः गोविंदाय नमः। तो आपके बालक के समान है हम, भला आपको क्या दे सकते हैं, हम छोटे हाथ से दे रहे हैं, आप बड़े हाथ से स्वीकार करना, हम आपके बालक के समान हैं। हे भगवान, अगर कोई गलती सलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना। जय ध्यानम समर्पयामि हे हरि ओम महा। चढ़ा दीजिए इधर। जय ध्यानम समर्पयामि भ्यो नमो नमः हरि ओम महा। शांति ब्रह्म शांति है, सर्वगुण शांति है, शांति रेव शांति है। उमा महेश्वराभ्याम नमः पूज्यामि। वाणी हिरण गर्भाभ्याम नमः पूज्यामि। पूज्यामि। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम हरिः ओम मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानि जलं समर्पयामि। शुद्ध स्नानं जलं समर्पयामि। रक्ताम्बरं दधाति संवासी भक्तस्य भुवनत्रयं महा। ओम हरिः ओम महानन्द भगवान की जय। हरिः ओम महा। बोलो गजानन भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। एक दो तीन चार बाप्पा तेरी जय जयकार। पाँच छः सात आठ गणपति जी हमारे साथ। पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जया। सिंदूर सोए मूसे की सवारे। अने का भोग लगे संत करे को संबुतवारी। कामन को पूरा करो जाऊं बलिहारी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भुजश्याम मलगोमदागम सीता समारोह। हाथ तेरा बस जाऊं मैं शांति सुशांतिर्भवतो सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय बच्चों के साथ जाने। मेरा भी मन कर रहा जाने का है? मेरा भी मन कर रहा जाने का। अच्छा। पर जगह नहीं है ना, बहुत सारे लोग हो गए हैं।
तो हमने ना प्रसाद में ना पार्ले जी रखा हुआ है, जितने भी रस्ते में भक्त मिल रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं पार्ले जी बिस्किट। देखो होता है ना कि प्रसाद सबके मुंह लग जाए, तो बस यही है कि सबके मुंह लग जाए प्रसाद। तो मैं गोलू को लेके बैठा हूँ भैया गाड़ी में, आते हुए जितनी भी लेडीज होंगी ना तो उनको गाड़ी में ले आऊंगा, और बाकी जितने भी जेंट्स होंगे वो ट्रैक्टर के अंदर आ जाएंगे, तो इसलिए मैं गाड़ी लेके आऊँ घर से। तो गाइस हमारे साथ ना कुछ होता रहता है हमेशा। तो अभी क्या हमारे ट्रैक्टर का तेल खत्म हो गया है और सारे बच्चे और ट्रैक्टर लेके गए हैं पेट्रोल पंप तेल डलवाने के लिए, फिर आएंगे वो लोग। तो अभी बप्पा का हमें छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं थोड़ी देर और बहाना लगा देता हूँ, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। तो हमें भी अच्छा लग रहा है, तो वो गए नीचे और हम जा रहे हैं ऊपर से, तो हम पुल पार करके खड़े होंगे तब आ जाएंगे। हाँ, वही भैया का फोन है, पुल पार करके खड़े हो, हम आते हैं। हाँ, तो ट्रॉली में है पायल, चीकू, बाकी सारे मतलब कि रीत भी है, साथ में स्वाति भी है, नितिन भैया भी है, बहुत सारे लोग ट्रॉली के अंदर है। तो अभी ना ये मुझे कहते गोलू देख सामने कौन खड़ा है, और मैं सच में डर गई। यहाँ पे जो पेड़ था ना, तो ऐसे लग रहा था कोई खड़ा है, मतलब लाइट बंद करके। देखो वैसे जब 5 दिन बीतते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ 5 दिन बीत रहे हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है, पर ये 5 दिन ना पता ही नहीं चला, मतलब कि पता ही नहीं चला कहाँ गए। तो बस ये है कि पापा जी जाएंगे बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा मिस करेंगे उनको, और यही विश है कि पापा जी अगले साल जल्दी से जल्दी हमारे घर वापस आए। मुझे लग रहा है बस हम पहुँचने वाले हैं, 2-3 मिनट में पहुँच जाएंगे जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि हुडा भैया आगे आ गया है और हमारी सारे जो लोग हैं, जितने बच्चे हैं, पापा जी हैं, सारे आगे हैं। तो भैया रीत ने ना फुल एंजॉय किया है, रीत थोड़ी एंजॉय किया है ना, बिल्कुल जो मैंने पहले आ गया बचपन, हम बचपन में ना मेले में जाते थे, तो ऐसे ट्रॉली में जाते थे मम्मी पापा के साथ, तो वो दिन याद आ गया आज। सबसे ज्यादा जो होली है, सबसे ज्यादा जो बच्चे ने मस्ती करी ना, वो करी चीकू ने, इतने ज्यादा परमेश्वरः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तो मे। विसर्जन करो और सब फूल की बरसात करेंगे भगवान को, ठीक है? सभी लोग ले लो फूल, फूल ले लो, सब ले लो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, 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 मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया बप्पा मोरिया। तो भैया विसर्जन हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बस बुरा लगता है जब गणपति जी जा रहे हैं, पर खुशी इस बात की अगले साल वो फिर आएंगे और अच्छी अच्छी खुशियां ले गए हैं सबके लिए, जिसने दुआ मांगी उसकी हर दुआ पूरी हो।
पूरी दुनिया में जिसने भी जो भी कुछ बोला गणपत जी को, बस अभी निकलते हैं गाड़ी की तरफ। Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you come in closer so we can do it? Guys, इतना मतलब थोड़ा दुख हो रहा है पापा जी को हम विसर्जित करके आए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब से वो घर में थी ना, कि घर में ऐसे ऐसा माहौल था मेले जैसा, मतलब इतना अच्छा माहौल था, इतना इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आ रही थी ना घर में, और अभी जब छोड़ के आए ना तो बहुत ऐसे दिल उदास सा हो गया वहाँ पे। बस अब हम घर जा रहे हैं विसर्जित करके पप्पा को, और चीकू को तो देख लो, चीकू की शक्ल देख लो। तो सब लोग आ चुके हैं, नहा धो लिए हैं, और विसर्जन पूरी रीति रिवाजों से पूरे अच्छे से पाठ पूजा करके हो गया है, और घर है ना ऐसे बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। जब तक पप्पा थे ना ऐसा लग रहा था घर भरा भरा था, अभी भी लोग सारे हैं घर में, ऐसा नहीं है कोई बाहर है, पर पप्पा नहीं है घर में, तो घर में ना ऐसे सुनसान सा हो गया है। पर कोई बात नहीं है, रीति रिवाज है, ऐसा होता है, अगली बार पप्पा फिर आएंगे। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।